हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। आई एम राजेश कुमार। टुडे आई विल टीच यू EVS क्लास 5। टुडे आई विल एक्सप्लेन चैप्टर 3 इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स बेटे, आपने पहले पिछली क्लास में पढ़ा होगा हमारे बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स कौन कौन से हमारे, जैसे आईज, ईयर, नोज, हैंड, ये आपने पिछली लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा आपने। तो ये हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, लेकिन ये हमारे बॉडी पार्ट्स एक्सटर्नल हैं, जिसको हम वी कैन टच और सी। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। एंड देर आर सम ऑर्गन्स फाइंड इन आवर बॉडी दैट इज वी कान टच और सी। दिस इज ऑल देयर पार्ट विच कांट अस टच और सी, दैट इज कॉल्ड इंटरनल पार्ट। दैट इज कॉल्ड इंटरनल पार्ट्स, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते। जैसे हम ईयर को तो हम टच कर सकते हैं, आँख को भी टच कर सकते हैं, हैंड को भी, वो तो हो गए हमारे एक्सटर्नल पार्ट्स। लेकिन जिसको हम टच नहीं कर सकते, वी कांट टच, वो हमारे हो गए इंटरनल पार्ट्स। पार्ट्स को ही हम ऑर्गन्स बोलते हैं, जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उसको ही हम ऑर्गन बोलते हैं। ऑर्गन मीन होता है अंग, शरीर के अंग। तो यहाँ पे इस लेसन में हम स्टडी करेंगे कि हमारे बॉडी पार्ट में इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं, जिसको हम आंतरिक और बाह्य, ये हमारे हो गए आंतरिक, जो शरीर के अंदर होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, और ये हो गए बाह्य। बाह्य मीन बाहरी, बाहरी जो हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार जो हमारे शरीर के अंग जो हमें दिखाई देते हैं वो एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहलाए, और जो दिखाई नहीं देते वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स कहलाए। वी नो दैट द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, हम जानते हैं, वी नो मीन हम जानते हैं कि द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी आर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज। नंबर वन इज इंटरनल एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल। वी हैव डिफाइंड ऑलरेडी दैम व्हाट इज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। इंटरनल पार्ट्स दैट इज वी कांट टच और सी, इट कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। एंड वे विच ऑर्गन्स वी कैन टच और सी, दिस इज एक्सटर्नल ऑर्गन्स। नाउ लेट्स लर्न अबाउट इंटरनल ऑर्गन्स फर्स्ट। सबसे पहले अब हम इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो, उनको हम पढ़ेंगे। इंटरनल ऑर्गन्स में सबसे मेन हमारा द ब्रेन। ब्रेन मीन मस्तिष्क, दिमाग जिसको आप बोलते हैं। हमारी जो बॉडी का जो कंट्रोलर होता है वो हमारा ब्रेन ही होता है। यदि ब्रेन हमारा डेड हो गया तो समझ लिए पूरी बॉडी हमारी डाइड हो जाएगी, कुछ काम की नहीं रहेगी बॉडी, अगर हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देता है। द ब्रेन लाइज इन द स्कल। स्कल होता है हमारी खोपड़ी, ये जो ऊपर का जो पार्ट देख रहे हैं आप सिर में, दैट इज द पार्ट ऑफ स्कल। स्कल इज द हार्ड सरफेस इन आवर बॉडी, इसको हम खोपड़ी कहते हैं, खोपड़ी। शकल को आप खोपड़ी कह सकते हैं। खोपड़ी के अंदर ये ब्रेन होता है, इसके अंदर जो ये आप देख रहे हैं ये सब हमारा ब्रेन है। और जो हमारा बॉडी में जो सबसे ऊपर है, जो बॉडी में जो सबसे ऊपर है मेन पार्ट, ये आपका सेरेब्रम हो गया। जो हमारे ब्रेन के देर आर थ्री पार्ट्स,
ऑफ द ब्रेन. नंबर वन इज सेरेब्रम, नंबर सेकेंड इज सेरेबलम एंड नंबर थ्री इज मेडुला. ब्रेन का जो वेट होता है, द ह्यूमन ब्रेन वेट अबाउट 1,360 grams. एक आदमी में जो पुरुष होता है उसमें 1,360 ग्राम वजन होता है, यानी कि 1 किलोग्राम 360 ग्राम वेट होता है एक मनुष्य में जो पुरुष होता है, मेल जिसको कहते हैं. और जो फीमेल होती है जिसको आप वुमेन बोलते हैं, उसमें 1,250 ग्राम्स हमारा वेट होता है ब्रेन का. और ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो नाड़ी तंत्र है, नर्वस सिस्टम मीन नाड़ी तंत्र, जितनी भी शरीर में नसें हैं उन सब को मिला के हमारा एक सिस्टम बनता है. जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम बनता है, तो उसी तरह हमारा नर्वस सिस्टम भी बनता है, जो कि सभी नसें जो कि संदेश वाहक होती हैं ब्रेन से बॉडी के अन्य पार्ट्स तक मैसेज ले जाती हैं. दे कैरी मैसेज ब्रेन टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड रिसीव द मैसेज फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स एंड टू द ब्रेन. जो ब्रेन से शरीर के अन्य भागों तक जो मैसेज लेके जाती हैं ये नसों के द्वारा, नाड़ियों के द्वारा, और उनसे वापस ब्रेन को संदेश भेजती हैं, तो वो हमारा नर्वस सिस्टम कहलाता है. तो जो आपने अभी तक पढ़ा है कि हमारा जो ब्रेन होता है उसके मुख्यतः 3 पार्ट्स होते हैं, नंबर 1 सेरेब्रम, नंबर 2 सेरेबलम, नंबर 3 मेडुला. तो हमारा जो टोटल ब्रेन है उसका जो वेट होता है एक पुरुष में 1,360 ग्राम होता है, और जो एक महिला होती है उसमें 1,250 ग्राम होता है. तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है सेरेब्रम, इसको आप पर मस्तिष्क बोलते हैं, पर मस्तिष्क, यानी कि सबसे पहला जो मस्तिष्क है खोपड़ी के बिल्कुल जो टॉप में हमारा, उसको पर मस्तिष्क बोलते हैं. पर मीन आगे वाला भाग होता है ये. तो इसमें आप देखेंगे सेरेब्रम, तो जो आपका सेरेब्रम है वो पर मस्तिष्क कहलाता है. ये जो मैंने पहले आपको राइट करके दिखाया था, सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. ब्रेन का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो पर मस्तिष्क ही होता है. मोस्ट ऑफ द मेंटल एक्टिविटीज, जो ज़्यादातर जो बुद्धि से जुड़ी क्रियाएं होती हैं आदमी में, जो मनुष्य को अलग करती हैं एनिमल से, यानी कि ऐसी क्रियाएं जो सोचने का कार्य करती हैं, याद करने का कार्य करती हैं, बोलने का कार्य करती हैं, जो कि एनिमल नहीं कर सकते. एनिमल कांट थिंक एंड रिमेंबर. सो देर इज द डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, एंड दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द सेरेब्रम. देर इज सेरेब्रम इज द मेन फंक्शन ऑफ द थिंकिंग, रिमेंबर एंड द स्पीक. तो इसका मुख्य कार्य जो है, जो हमारा अपर मोस्ट जो पार्ट होता है हमारे जो स्कल में, वो हमारा सेरेब्रम कहलाता है. और ठीक उसके पीछे जो हमारे गर्दन से ऊपर होता है ये आपका होता है सेरेब्रम. इसको आप पश्च मस्तिष्क बोलते हैं. पश्च माने पिछला, मस्तिष्क यानी कि यह शरीर के पिछले हिस्से में होता है, जिसको आप हिंदी में हरियाणवी में गुद्दी बोलते हैं ना, गुद्दी थप्पड़ लगता है आपके टीचर का आपके गुद्दी में, तो वहाँ पे पश्च मस्तिष्क होता है. इसका ये इससे सेरेब्रम से स्मॉल होता है. सेरेब्रम इज अ स्मॉल पार्ट एट द बैक ऑफ द स्कल. स्कल मैंने आपको बताया था खोपड़ी होती है शरीर की, जो ये ऊपर का जो हिस्सा है हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी होती है, ये नारियल के खोल की तरह, और इसमें हमारा ब्रेन सेफ रहता है. इसका जो सेरेब्रम है जिसको पश्च मस्तिष्क बोलते हैं, ये साइज में और शेप में ओवल होता है, अंडाकार होता है. जैसे आपका अंडा होता है ना, ऐसे पूरी तरह राउंड नहीं होता, थोड़ा सा मतलब अंडाकार होता है. इट्स रेगुलेट, रेगुलेट मतलब कंट्रोल करता है ये. रेगुलेट मतलब कंट्रोल करना, नियंत्रित करना. क्या नियंत्रित करता है? बॉडी मूवमेंट्स,
हमारी जो बॉडी की जो मूवमेंट है, जो गति करता है बॉडी, उसको मूवमेंट कहते हैं, उसको ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, एंड मेक देम स्मूथ रेदर देन जर्की। जर्की होता है मतलब धक्का देना, जैसे हमने धक्का दे दिया। जो आपका सेरेबलम है वो हमारी बॉडी मूवमेंट को रेगुलेट करता है, रेगुलेट मतलब नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, एंड मेक देम स्मूथ, और बिल्कुल उसको आराम से उसको अपनी कार्रवाई करने देता है, न कि उसको धक्का देता है। जर्की मीन धक्का देना, जैसे आप पुश करते हैं ना किसी को, धक्का देना, उसको धक्का नहीं देता बल्कि उसको एक स्मूथली मूवमेंट देता है हमारी बॉडी को। अगर वो धक्का देगा तो हमारी बॉडी वी कैन फॉल ऑन द ग्राउंड, हम गिर सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट पार्ट है द मेडुला। ये जो आपका जो सबसे नीचे का जो पार्ट होता है, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है, देखो ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये आप देख रहे हो, यहाँ आपकी बुक में भी दिखाई है, ये जो ऐसे 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 रीढ़ की हड्डी बोलते हैं इसको, इसमें बहुत सारे जोड़ होते हैं। इसमें हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी, जिसको आप मेरुरज्जु बोलते हैं, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु को ही आप स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। यहाँ पे ये दिया ना स्पाइनल कॉर्ड, इसको आप मेरुरज्जु को स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। तो ये जो अभी मैंने आपको दिखाया है, ये इसमें 33 आपकी बोन्स होती हैं, रीढ़ की हड्डी है जो आप इसमें 33 आपकी बोन्स होती है, यानी कि इतने 33 ज्वाइंट होते हैं इसमें। ये जो मेडुला है ये इससे जुड़ा होता है, इस रीढ़ की हड्डी से, और इसके अंदर से देखिए ये आप एक ये जो नसें हैं जिसको आप स्पाइनल कॉर्ड कह सकते हैं, ये इससे जुड़ा है मेडुला। मेडुला इज सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। जो मेडुला है वो ब्रेन के बेस होता है, बेस मतलब आधार, बेस मीन आधार, आधार मतलब तल, यानी कि सबसे जो निचला हिस्सा है ब्रेन का उस पे ये मेडुला सिचुएटेड होता है। सिचुएटेड मतलब स्थापित होना। इट इज आल्सो नोन एज द ब्रेन स्टेम, हम इसको ब्रेन का तना भी कह सकते हैं। जैसे आपने एक ट्री देखा होगा, ये ट्री है, इसमें ये रूट्स होगी इसकी, तो ये जो पार्ट है आपका ये स्टेम कहलाता है, STEM, स्टेम मीन तना। आपने पिछले लेसन में पढ़ा होगा कि स्टेम क्या होता है, स्टेम इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ट्री विच कैन स्टैंड द ऑल ओवर द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, जिस पे सभी जो ब्रांचेज होती पेड़ की वो इस पे टिकी होती हैं, ये सबसे कठोर पार्ट होता है ट्री का स्टेम। तो उसी तरह ठीक ब्रेन भी एक जो आपका ये जो मेडुला है इसको आप ब्रेन बोलते हैं। जो आपका ये मेडुला है इसको आप स्टेम, ब्रेन का स्टेम कह सकते हैं, यानी कि इसका स्तंभ बोल सकते हो, इसी पे ब्रेन टिका हुआ है। इट कनेक्ट्स टू द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। मैंने आपको पहले बताया है कि ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है, जिसको मेरुरज्जु बोलते हैं, जिसमें से संदेश जो मैसेज होता है वो ब्रेन से अन्य पार्ट्स तक जाता है बॉडी के, और अन्य पार्ट से ब्रेन तक वापस रिसीव होता है। इसमें से ब्रेन मैसेज भेजता है पूरे बॉडी को, और बॉडी के अन्य पार्ट से खुद मैसेज को रिसीव करता है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसी के थ्रू हमारे हाथ पैर में जो मूवमेंट होती है वो इसी से हमारी सब कुछ
एक्टिविटीज संपन्न हो पाती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रेन एज इट कंट्रोल्स द बॉडी। ये हमारे जो बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो बॉडी को कंट्रोल करता है। प्रोसेस लाइक रिस्पायरेशन, जैसे हमारा श्वसन लेना, रिस्पायरेशन मतलब श्वसन लेना। श्वसन जो हमारा है और हार्ट बीट्स है, श्वसन, श्वसन मतलब सांस लेना, जो हम ब्रीद करते हैं, इज वी कैन टेक ब्रीद, वी कैन टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिसीव द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। श्वसन क्या है? हवा से ऑक्सीजन लेना और शरीर के अन्य पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना श्वसन कहलाता है। हार्ट बीट्स जो दिल का धड़कना है, ब्लड प्रेशर जो हमारा, जो ब्लड हमारा जो फ्लो होता है बॉडी में, उसका प्रेशर कितना है। यदि वो डाउन हो गया तो बीपी लो हो जाएगा, और यदि वो ज़्यादा बहने लगा तो बीपी हाई हो जाएगा। उसको आप बोलते हैं ना, कई बार आपके दादा दादी बोलते बीपी हाई हो गया। बीपी हाई मतलब जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो वेरी हाई हो जाता है, और यदि बीपी लो हो गया तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है, यानी कि वो ब्लड है जो बड़े आराम से बहने लगता है, जिससे हमारी बॉडी मूवमेंट नहीं कर पाती। और यदि वो वेरी हाई स्पीडली बहेगा तो उसको बीपी हाई बोलेंगे, जिससे हमारी नसें हैं, जो हमारी जो नर्व्स हैं, वो फटने का डर रहता है। तो इसलिए हमारे लिए ये नुकसानदायक है, ज़्यादा ब्लड का प्रेशर होना और ब्लड का लो होना भी दोनों नुकसानदायक है, कंट्रोल में होना चाहिए। तो इसको कौन कंट्रोल करता है? मेडुला, मेडुला ही हमारे इसको रेगुलेट करता है। जैसे हमारा दिल का धड़कना है, सांस लेना है, ब्लड का सर्कुलेट होना है, ये सभी जो प्रोसीजर हैं वो मेडुला कंट्रोल करता है। इट्स आल्सो कंट्रोल स्वेलिंग स्नीजिंग। स्वेलो होता है निगलना। जब आप कोई भोजन ग्रहण करते हैं तो उसको निगलते हैं, उसको पहले च्यू करते हैं, आप टीथ उसको चबाते हैं, और उसके बाद आफ्टर दैट स्वॉलिंग उसको निगल जाते हैं। और स्नीजिंग मतलब छींकना। जब आपको जुकाम हो जाता है तो आपको छींक आती है, छींकना। और जब कई बार खांसी उठ जाती है, खांसना। ब्लिंकिंग मतलब आपकी जो आंखें हैं उनके ऊपर जो पलके हैं, पलकें झपकना, ये आपका ब्लिकिंग कहलाएगा। तो ये सभी जो प्रोसेस है इनके, ये आपका मेडुला कंट्रोल करता है, मेडुला ही इसको रेगुलेट करता है। अब हमारा नेक्स्ट इंटरनल पार्ट है हार्ट। हार्ट हार्ट इज नॉट मच लार्जर देन ए फिस्ट। हार्ट कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता हमारे बॉडी में, फिस्ट होता है एक मुट्ठी, मुट्ठी एक मुट्ठी जितना, मुट्ठी भर। यानी कि जब आप कोई चीज़ लेते हैं तो उसमें मुट्ठी में उसको भर लेते हैं, तो एक मुट्ठी जितना ही हमारा ये हार्ट होता है। इसके देखो, इसको आप अंदर से काटेंगे तो इस ये टमाटर की तरह आपको दिखाई देगा। देखो इस तरह टमाटर भी दिखाई देता है ना, तो इसका मतलब क्या है कि आप टमाटर खाएंगे तो हार्ट के लिए वो वेरी फायदेमंद रहेगा, बहुत ही मतलब लाभदायक होगा। तो हार्ट के लिए आप टोमेटो खाइए, इस क्योंकि ये शो करता है कि ये देखो टमाटर की तरह है, तो इसलिए ये आपको इंडिकेट करता है कि यदि आप टमाटर खाएंगे तो आपको कभी भी हार्ट प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये एक ज़्यादा बड़ा नहीं होता, इट इज़ लोकेटेड, लोकेटेड मतलब ये स्थापित होता है कहाँ पे? स्लाइटली टू द लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट, कहाँ लेफ्ट? इन द सेंटर ऑफ योर चेस्ट, आपकी जो चेस्ट है उसके सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट होता है, बिल्कुल जरा सा, मामूली सा। इफ़ यू प्रेस योर फिंगर्स देयर, यदि आप अपनी उंगलियाँ वहाँ पे फिंगर
उंगलियों को प्रेस करेंगे तो यू विल बी एबल टू फील योर हार्ट बीट। आप वहाँ पे अपनी जो हृदय की धड़कन है, दिल की जो धड़कन बोलते हैं जिसको, हृदय माने दिल या हार्ट मीन दिल या हृदय, तो दिल की जो धड़कन है हार्ट बीट उसको हम बोलते हैं हार्ट बीट। ये दिल की धड़कन है, ये आपको सुनाई देगी जब यदि आप उस पर हाथ रखेंगे तो। द हार्ट मसल हैज़ द अमेजिंग एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट इवन विदाउट रिसीविंग मैसेज फ्रॉम द ब्रेन। हार्ट की जो मसल्स होती हैं उसमें अमेजिंग मतलब अनोखी, अमेजिंग मीन अनोखी, अमेजिंग मीन अद्भुत, हार्ट में जो मसल होती हैं, ये जो मसल्स जिनसे बना है ये अद्भुत होती हैं। इनमें एक अद्भुत एबिलिटी होती है क्या कि वह है ब्रेन से कोई भी मैसेज रिसीव किए बिना, विदाउट के बिना, विदाउट रिसीविंग मैसेज फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से कोई मैसेज लिए बिना भी वह धड़कता रहता है। इसमें हार्ट में ये, यदि मान लो आपका ब्रेन डाइड हो गया, आपका ब्रेन अभी मैं हमने पढ़ा है वो मर गया, तो ये जो हार्ट है ये फिर भी पंपिंग करता रहेगा, यानी कि आपके ब्लड को पंप करता ही है, ये जो आपका ब्लड है उसको ये पंप करता है बॉडी के अन्य पार्ट्स तक, और बॉडी के अन्य पार्ट्स से आपके फेफड़ों तक, लंग्स तक ये फिर इसको ब्लड को वापस भेजता है। ये बॉडी में जो विभिन्न पार्ट्स हैं वहाँ तक हार्ट से, और वहाँ से जो गंदा खून है उसको ये फेफड़ों में लेके आता है साफ करने के लिए, इसका ये पंपिंग का मुख्य कार्य होता है। इट इज़ द पंप दैट फोर्सेस द ब्लड टू सर्कुलेट द हार्ट। ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर मैमल्स कंसिस्ट ऑफ फोर चैम्बर्स। जो आपका जो ह्यूमन बीइंग है, जो मानव का जो हार्ट है, और अन्य जो मैमल्स हैं, मैमल्स मीन जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, सतनधारी जिसको हम बोलते हैं वो मैमल्स बोलते हैं, उन सब में चार चैम्बर होते हैं, फोर चैम्बर, चैम्बर माने कक्ष, यानी कि चार कमरे होते हैं। देखो नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री एंड नंबर फोर, देर आर फोर चैम्बर्स इन आवर हार्ट। द टॉप टू चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड ऑरिकल्स। जो ये टॉप टू हैं, नंबर वन एंड नंबर टू, इनको आप ऑरिकल्स बोलते हैं। एंड द बॉटम वंस आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। जो ये नीचे के जो दो हैं, तीन नंबर और चार नंबर, इनको आप वेंट्रिकल्स बोलते हैं, यानी कि इनको हिंदी में अगर हम कहें तो ये धमनियां होती हैं जो कि प्योर ब्लड को बॉडी के अन्य पार्ट्स तक लेके जाती हैं, और ये होती हैं शिराएं अगर हिंदी में हम इनकी बात करें तो। ये जो इम्प्योर ब्लड है, जो गंदा खून है, उसको ये बॉडी के अन्य पार्ट्स से रिसीव करती हैं और फेफड़ों तक उसको लेके जाती हैं, और जो ये धमनियां हैं ये जो शुद्ध प्योर ब्लड है, जो प्योर प्योर जो ब्लड है उसको ये बॉडी के अन्य पार्ट्स तक लेके जाती हैं। द हार्ट गोज ऑन वर्किंग डे एंड नाइट। जो आपका हार्ट है वो लगातार नॉन स्टॉप दिन और रात कार्य करता रहता है। नेक्स्ट आपका जो इंटरनल पार्ट है द किडनीज। किडनी माने होता है गुर्दे, गुर्दे, गुर्दे क्या होता है, इट इज इन द शेप ऑफ किडनी सिमिलर एट द बीन, राजमा। आपकी जो राजमा दाल होती है, राजमा आपने खाई है ना चावल के साथ, राजमा चावल, आई लाइक राइस एंड राजमा,
डू यू लाइक? ओके ओके, तो ये जो आपके जो किडनी होती है वो राजमा के बीज की तरह होती है देखो, तो ये इंडिकेट करती है यदि आप खूब राजमा खाएंगे तो आपके किडनी कभी फेल नहीं होगी। आप दाल खाइए, राजमा खाइए, तो आपके गुर्दे कभी भी फेल नहीं होंगे। किडनी कीप द साल्ट इन द बॉडी वाटर एट एग्जैक्टली द राइट कंसंट्रेशन। किडनी जो आपके बॉडी में जो पानी है उसमें जो साल्ट की मात्रा होती है, साल्ट उसको मेंटेन बना के रखती है, यानी कि उचित मात्रा में उसमें जितना होना चाहिए आपकी बॉडी के अंदर जो 70% जो वाटर होता है आपकी बॉडी में, 70% आपकी बॉडी में वाटर होता है, तो उस वाटर में जो साल्ट भी होता है जिसको आप लवण बोलते हैं, लवण, उसको वो मेंटेन बना के रखती है किडनी। इसका मेन फंक्शन होता है आपकी बॉडी में साल्ट को बनाए रखना। दिस इज द ऑर्गन दैट आल्सो एक्सट्रैक्ट वेस्ट मटेरियल। एक्सट्रैक्ट होता है बाहर निकालना, एक्सट्रैक्ट मीन बाहर निकालना। आपकी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल यानी कि वेस्ट हो गया जो जिसका हमें कोई जरूरत नहीं है, फ्रॉम द ब्लड द वेस्ट फ्लूइड दैट द प्रोड्यूस इज कॉल्ड यूरिन। आपकी जो बॉडी है, बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सरेट करता है यानी कि बाहर निकालता है, खून साफ करता है, यानी कि आपकी जो किडनी है वो ब्लड को रिफाइन करती है, ब्लड को रिफाइन करती है ये आपकी बॉडी, मतलब छानती है, खून को छानना, आपकी जो किडनी है वो खून साफ करती है, और उस खून साफ होने से जो वेस्ट मटेरियल निकला उसको वो बाहर निकालती है, और वो एक प्रकार से उसका एग्जांपल है यूरिन। आप पेशाब करते हैं तो उसमें वेस्ट मटेरियल होता है जिसको किडनी ने साफ करके भेजा है। अब यहाँ पे लेट्स डू इट, आप आइए कुछ करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। प्लेस द पाम, पाम माने आपके जो हाथों की हथेलियाँ हैं उसको अपने लोएस्ट रिब पे रखिए। रिब होता है जो पसलियाँ, पसली होती है ना छाती के नीचे, सबसे नीचे जो पसली होती है उस पे रखिए आप। नाउ योर पाम कवर द एरियाज इन विच योर किडनी आर लोकेटेड इनसाइड द बॉडी। तो आपकी जो हथेली है अब किडनी के ऊपर रखी हुई है और आप इस तरह फील कर सकते हैं कि वेयर इज लोकेटेड किडनी इन आवर बॉडी। तो अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है लंग्स, जिसको आप बोलते हैं फेफड़े, ये आपके फेफड़े ये सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। फेफड़ों से हम सांस लेते हैं, सांस में क्या लेते हैं हम, ऑक्सीजन। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको आप बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये देख लो कार्बन डाइऑक्साइड, ये हम छोड़ते हैं। सांस लेंगे तो ऑक्सीजन हम लेंगे और छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। ये मेन काम होता है फेफड़ों का, सांस लेना। लंग्स आर द ऑर्गन्स थ्रो विच यू ब्रीद, ब्रीद माने होता है सांस लेना। देर आर यूजली टू लंग्स, आमतौर पर सभी प्राणियों में दो लंग्स होते हैं, नंबर वन एंड नंबर सेकेंड, एक्सेप्ट इन स्नेक्स, सांप के अलावा दो लंग्स होते हैं सभी में, सांप में नहीं होते, दो फेफड़े होते हैं। लंग्स आर कंपोज ऑफ मिलियंस ऑफ टीनी कप शेप्ड एयर सेल, इनको वायु कुपिकाएं बोलते हैं, एयर सेल को वायु कुपिकाएं, मतलब वायु
छोटी छोटी कक्ष होते हैं, देखो ये रहे 1 2 3, देखो देर आर लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स, आवर लंग्स लाइक एज बंच ऑफ ग्रेप्स, इन द ड्राइंग यू हैव मेड बंच ऑफ ग्रेप्स, सो इट्स इंडिकेट्स दैट इफ यू ईट मोर ग्रेप्स देन योर लंग्स विल बी फाइन। यदि आप बहुत सारे अंगूर खाएंगे तो आपके ग्रेप आपके जो लंग्स हैं वो बिल्कुल फाइन रहेंगे, उनमें कोई बीमारी नहीं आएगी। तो आपने अभी जो आपका हार्ट था उसके लिए टोमेटो हमने बताया, टोमेटो खाइए क्योंकि इसकी बिल्कुल अंदर से जो स्ट्रक्चर होती है स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल टोमेटो जैसा होता है हार्ट का। और जो आपकी किडनी होती है उसमें बीन जिसको आप राजमा बोलते हैं, और जो आपके लंग्स होते हैं वो आपकी ग्रेप्स की तरह होते हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि आप इनको ग्रेप्स खाएंगे तो आपके जो लंग्स हैं वो कभी डैमेज नहीं होंगे। लंग्स आर कंपोज्ड ऑफ मिलियंस ऑफ टीनी सेव्ड एयर सेल, ये छोटी छोटी वायु कुपिकाएं होती हैं, ये जो अभी हमने बताया था जिसको अल्वेओलाई बोलते हैं। ड्यू टू दिस अल्वेओलाई द टोटल इंटरनल सरफेस ऑफ मैन्स लंग्स इज एज बिग एज दैट ऑफ ए टेनिस कोर्ट। यदि हम इन सभी वायु कुपिकाओं को मिला के एक हम टोटल सरफेस कवर करें तो इतना बड़ा सरफेस कवर हो जाएगा जितना कि एक टेनिस का ग्राउंड होता है। आपने टेनिस खेल लिया कभी? तो टेनिस के ग्राउंड जितनी ये जगह कवर कर लेती हैं आपकी बॉडी में, इनको वायु कुपिकाएं बोलते हैं। द जॉब ऑफ द लंग्स इज टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। जो लंग्स है मैंने पहले ही बता दिया, जब वो सांस लेने का कार्य करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं जिसको O2 बोलते हैं, और जब उसको छोड़ते हैं, जब वो सांस लेंगे तो O2 और उसको छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। तो यहाँ पे दिया है लंग्स का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन लेना फ्रॉम द एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वापस छोड़ना। हमारा जो नेक्स्ट इंटरनल ऑर्गन्स है वो है आपका लीवर। लीवर देखिए, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये वन मार्क्स क्वेश्चन बन गया, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। इट इज डार्क रेड, यह गहरे लाल रंग की और चॉकलेटी कलर की होती है, जो कि जिसका वजन हल्का होता है। इट्स वेट बिटवीन 1.5 एंड 2 किलोग्राम। इनका जो लीवर है इसका वजन 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। लीवर इज द सिचुएटेड जस्ट बिलो द डायफ्राम विद इट्स लोअर एंड टचिंग द इंटेस्टाइन एंड द राइट किडनी। जो आपका जो लीवर होता है वो राइट जो किडनी होती है जो उससे, और जो आपकी आंत होती है जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं उनसे जुड़ा होता है। ये आपकी इंटेस्टाइन है, ये इससे जुड़ा होता है। इट्स मेन जॉब, इसका जो मुख्य कार्य है, मेन जॉब मतलब मुख्य कार्य है, इज टू स्टोर एंड प्रोसेस द फूड मटेरियल्स कमिंग फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो लीवर है वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा जो फूड मटेरियल्स इसके अंदर जाता है उसमें केमिकल मिला देता है, इसको केमिकल फैक्ट्री भी कहते हैं। इट्स एक्ट एज ए केमिकल फैक्ट्री, इसका जो कार्य है वो एक केमिकल फैक्ट्री की तरह भी होता है। ये क्या करता है, ये एक जूस निकालता है जिसको बाइल जूस बोलते हैं। ये लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस।
ये जो लीवर ये जूस प्रोड्यूस करता है, जिसको हमारा जो फूड है वो जल्दी ही डाइजेस्टिव हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है भोजन। यदि ये इस बाइल जूस को प्रोड्यूस ना करे तो समझ लीजिए आपका लीवर खराब हो गया, और जिससे वो आपका भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा और फिर आप बीमार पड़ जाएंगे। लीवर स्टोर्स विटामिन्स ए बी एंड डी एंड मिनरल्स लाइक आयरन एंड कॉपर। जो आपका लीवर है वो उसमें ए बी और डी विटामिन्स होते हैं, और मिनरल्स जिसको हम आयरन कॉपर कहते हैं वो भी इसमें सिचुएटेड होते हैं, उसको स्टोर करके रखता है लीवर। और ये बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, बाइल कलेक्ट्स इन द गॉल ब्लैडर एंड रन्स डाउन द बाइल डक्ट टू द इंटेस्टाइन। और ये जो बाइल जूस है ये गॉल ब्लैडर में भोजन के साथ चला जाता है और फिर आंतों में चला जाता है, जो कि भोजन की जो वसा है उसको ब्रेक डाउन करता है, यानी कि जो हार्ड भोजन है आपका उसको ये बिल्कुल इजी बना देता है, यानी कि उसको तोड़ देता है छोटे छोटे टुकड़ों में। एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज ऑल्सो रिमूव बाई लीवर फ्रॉम द ब्लड। और यह जो ग्लूकोज है उसको खून से निकाल भी देता है, और जब इसको जरूरत पड़ती है बॉडी को ग्लूकोज की तो ये उसको दोबारा से कन्वर्टेड भी कर देता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है इसको, जो आपका ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है। और जब इसको जरूरत पड़ती है ज़्यादा शुगर की तो ये इसको वापस कन्वर्टेड भी कर देता है ग्लूकोज में, इस ग्लाइकोजन को। पहले ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदल देता है, फिर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में बदल देता है। लीवर आल्सो प्रोड्यूस यूरिया, लीवर जो है वो यूरिया भी प्रोड्यूस करता है, जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसमें नाइट्रोजन होती है। हाँ, अब अपना नेक्स्ट जो इंटरनल पार्ट है स्टोमक, स्टोमक बोलते हैं इसको, यानी कि पेट, आमाशय भी इसको कह सकते हैं, आमाशय, स्टमक। तो देखिए यहाँ पे ये जो आपका स्टमक है बिल्कुल रीब से नीचे, स्टमक इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द डाइजेशन ऑफ फूड। जो आपका स्टमक है, जो भोजन को पचाने का जो मुख्य भाग है वो स्टमक ही होता है। व्हेन वी ईट फूड, जब हम भोजन लेते हैं, भोजन खाते हैं, इट ट्रेवल्स डाउन द थ्रोट टू द स्टोमक। जैसे ही गले में हमारा भोजन गया, थ्रोट मीन गला, थ्रोट मीन गला, गले में भोजन गया तो वहीं से हमारा जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। द स्टोमक कैन स्टोर फूड, और इसमें भोजन पड़ा रहता है कम से कम भी 3-4 घंटों के लिए, 3 से 4 आवर्स इसमें हमारा भोजन पड़ा रहता है जो कि डाइजेस्टिव होता रहता है। इट इज ए मसल मस इट इज ए मस्कुलर बैग, यह मांसपेशियों से बना एक थैला होता है जो ओपन एट बोथ एंड, जो दोनों तरफ खुलता है, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ से ये खुलता है। एंड शेप लाइक ए फैट लेटर जे, जो आपका अंग्रेजी का अक्षर जे है उसके आकृति का ये होता है। द जूस प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक किल द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड। जो स्टमक है वो आपका जो जूस प्रोड्यूस करता है वो हमारे जो हानिकारक जो जर्म्स हैं उनको मार देता है, भोजन में जो हानिकारक जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं। द स्टोमक मसल चर्न, चर्न मतलब ग्राइंड करना, पीसना, GRIND, ग्राइंड करना मतलब पीसना, टर्न द मिक्सचर एंड देन फोर्स इन टू स्मॉल इन टेस्टाइन। ये जो स्टमक है ये आपके भोजन को पिसाई करता है, यानी इसमें चक्की चलती है और उसको ये बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, और उसको फिर धकेल देता है, पुश कर देता है स्मॉल इन टेस्टाइन में, छोटी आंत में।
रिमेंबर, याद रखें, रिमेंबर मीन याद रखें, दैट ईच ऑर्गन परफॉर्म्स ए स्पेशल फंक्शन। आपको याद होना चाहिए, याद रखें आप, कि जो प्रत्येक ऑर्गन है, जो आपने पढ़ा है हार्ट, किडनी, लंग्स, स्टमक इत्यादि, ब्रेन वगैरह है, वो सभी अपने अपने स्पेशल कार्य के लिए जाने जाते हैं। एंड एक्ट्स एज ग्रुप विद अदर पार्ट्स, और अन्य जो अंग हैं उनके साथ मिलकर एक समूह में कार्य करते हैं। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द एक्सटर्नल ऑर्गन्स द कंप्राइज ऑफ आवर सेंस। तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे अभी, जो हमारा जो ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लगभग 40 मिनट की हो चुकी है। तो आज आपके इंटरनल ऑर्गन्स हमने पढ़ा दिए हैं। कोई प्रॉब्लम है तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं या स्कूल में आके पूछ सकते हैं। तो इनको आप रीड आउट कीजिए, इनकी वीडियो आप देखिए, इससे रिलेटेड और भी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाए तो उसको भी आप रीड कीजिए। और हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं जो आपकी कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी उसमें हम पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।